हेलो दिस इज मी गौरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन 4 PM बॉलीवुड। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की आगामी फिल्म बैड न्यूज रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ चुकी है। कभी फिल्म के गाने धूम मचा रहे हैं तो अब फिल्म के सीन को लेकर CBFC ने झटका दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल जैसी धमाकेदार फिल्म करने के बाद तृप्ति लगातार अपनी आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस वक्त उनकी आने वाली फिल्म बैड न्यूज को लेकर हू हल्ला ज्यादा तेज है, क्योंकि यहाँ तृप्ति विकी के संग बेहद इंटिमेट सीन करती दिख रही है जिसने बॉलीवुड में आग लगा रखी है। फिल्म में गाने जानम में बेहद बोल्ड नजर आए ये कपल। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज भी होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही CBFC की फटकार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC ने मेकर्स को फिल्म से इंटिमेट सीन हटाने की बात कह दी और बोल्ड सीन को एडिट करने की नसीहत दी है। वहीं बाकायदा कुछ सीनों का उल्लेख CBFC ने किया है। मिली जानकारी के मुताबिक CBFC ने निर्माताओं से फिल्म के 3 अलग अलग हिस्सों से इंटिमेट सीन हटाने की गुजारिश की, जो सीन टोटल 27 सेकंड के बताए जा रहे हैं। यहाँ एक सीन 9 सेकंड का, दूसरा 10 का तो वहीं तीसरा 8 सेकंड का है। CBFC के मुताबिक फिल्म में दिखाए गए लिप लॉक के दृश्यों को एडिट करने की जरूरत है और इसके अलावा CBFC ने शुरुआत में एक अस्वीकरण को बदलने, कुछ शराब विरोधी संदेश डालने और शराब विरोधी संदेश का फॉन्ट आकार बढ़ाने की सहित कुछ छोटे बदलावों को करने की बात कही। वही बदलावों को करने के बाद फिल्म बैड न्यूज के निर्माताओं को CBFC द्वारा UA सर्टिफिकेट दिया गया। सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म की अभी 142 मिनट या 2 घंटे 22 मिनट है। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होनी है। फिल्म के गानों की बात कर लें तो तौबा तौबा, मेरे महबूब, मेरे सनम और जानम, ये 3 गाने इस वक्त काफी हिट हो रहे हैं। अब फिल्म क्या कमाल करती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।